बच्चों को बचपन से ही उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाएं, उन्हें अपने काम स्वयं करने दें, जिससे कि वह जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें। यह बात तहसीलदार बलराम गुप्ता ने सेठ वीरेंद्र कुमार पब्लिक स्कूल में आयोजित परीक्षा फल वितरण व पुरस्कार सम्मान समारोह में कही। बता दें कि सेठ वीरेंद्र कुमार पब्लिक स्कूल में तहसीलदार बलराम गुप्ता के मुख्य अतिथि में परीक्षा फल वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा परिणाम पूरे वर्ष की मेहनत को दर्शाता है। आशानुरूप मिलने वाला परिणाम हमें उत्साहित करता है, साथ ही ऐसा न होने पर कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर नितिन मित्तल ने कहा कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानव सेवा ही है। शिक्षित व्यक्ति समाज की धरोहर होता है। कहा कि वर्ष भर छात्र जो मेहनत करता है, परीक्षा परिणाम उनकी मेहनत को दर्शाता है। योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर मिलेगा। कार्यक्रम में कक्षा पीजी से यूकेजी तक आरव, अवंतिका, कुशाग्र, शुभ प्रताप टॉपर रहे हैं। इस मौके पर नायब तहसीलदार मुकेश कुमार, दीपक मित्तल, पुनीत मित्तल, डॉक्टर शैलजा गुप्ता, प्रिंसिपल सेविक कुंडू, मुकुल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। So congratulations all the ladies, Sir Sayyed Mahat Ali, son of Mr. Sayyed Rashid Ali, from Lidisha. Come forward. Background.